कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव में किन्नौर के पांगी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ठाकुर कृष्ण नेगी निर्विरोध चुने गए हैं। भाजपा इन चुनावों में दो वर्षों से कोई भी उम्मीदवार निदेशक पद पर खड़ा नहीं कर पाई है। ऐसे में कृष्ण नेगी ने इन चुनावों में तीसरी बार जीत के साथ ये हैट्रिक लगाई है। कृष्ण नेगी ने बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का आभार जताते हुए कहा कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो भी काम उनके समक्ष लाए जाएंगे वे उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस पद के लिए उन पर भरोसा करके उन्हें चुना है, अब उनकी जिम्मेवारी है कि वे इस पद पर रहते हुए बेहतरीन कार्य करें। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी सहित तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ठाकुर कृष्ण नेगी को बधाई दी है। किन्नौर एआरडी बैंक के जितने भी मतदाता हैं उन सभी का जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राजस्व बागवानी एवं जनजाति विकास मंत्री माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी का, जिन्होंने लगातार तीसरी बार हमारे ठाकुर कृष्ण जी जो हमारे एआरडी बैंक के पिछले दो दफ़ा डायरेक्टर रहे, इनका तीसरी बार इन पर विश्वास करके इनको उम्मीदवार बनाया। उसके बाद हमारे कर्मठ कांग्रेस कार्य के कार्यकर्ता हमारे ठाकुर कृष्ण जी को भी इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों का और एआरडी के बैंक के मतदाताओं का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। राजस्व बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, हिमाचल प्रदेश सरकार, हमारे बड़े भाई तीनों कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश नेगी जी, मीडिया पैनलिस्ट श्री सुरेश बोरा जी, युवा कांग्रेस के यहाँ बसे समस्त कार्यकर्ता गण, मैं सबसे पहले मुझे तीसरी बार पार्टी की तरफ से इसमें उम्मीदवार चुनने पर तीनों कांग्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और तीनों के सभी मतदाता जो हमारे एआरडीपी बैंक से संबंधित है उनका भी धन्यवाद करता हूँ।